Hello, children. This is Pranita Priya from Suraj School Revari, PGT Bio. We have already completed vegetative reproduction and asexual reproduction in fungi in our previous video lecture. Now, today I am going to continue with sexual reproduction in fungi. It involves only three steps. You have to remember these three steps first is plasmogamy, second, karyogamy, and third, meiosis. Now, आपको सभी को पता है कि जो फंगस है उसका बॉडी क्या होता है माइसीलियम मैंने बताए थे थ्रेड लाइक -like जो हाइफ़ी होते हैं वो सब एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं एंड कंबाइन कर कर ये बनते हैं माइसीलियम और एक्चुअल में माइसीलियम इज़ द बॉडी ऑफ फंज़ाई। तो सपोज प्लाज्मो गैमी में क्या होता है फ्यूज़न गैमी मीन्स फ्यूज़न प्लाज्मा जितने भी जो साइटोप्लाज्म है वो उसका फ्यूज़न हो जाना ठीक है सपोज दिस इज़ वन हाइफ़ी दिस इज़ अनदर हाइफ़ी और इसके अपने साइटोप्लाज्म है यू कैन सी हेयर यहाँ साइटोप्लाजम है और अपने अपने न्यूक्लियस है इसमें तो इसके सेल इसके सेल आपस में पास पास आए दो न्यूक्लियस एक साथ हुए ठीक है अभी न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं हुआ है सिर्फ यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हुआ है मींस फ्यूज़न इसके साइटोप्लाज्म और इसके साइटोप्लाज्म दोनों का यहाँ पे फ्यूज़न हुआ है ठीक है अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है एंड दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मोगैमी जब न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाएंगे यू कैन सी है जब न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाएगा तो वी कॉल इट कारियोगी तो प्लाज्मोगैमी जब होते हैं फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक uh, कंटेंट्स तो अगर ऐसे फ्यूज़न होते हैं तो इस केस में अगर न्यूक्लियस जो है अगर अभी फ्यूज नहीं किए किए हैं तो वी कॉल इट डाई कार्योन स्टेज या इसको बाई न्यूक्लियट स्टेज भी बोलते हैं अब जब दोनों सेल के साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो गया डैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोकैमी नाव कार्योकैमी क्या होते हैं कार्यो में न्यूक्लियस जो थे वो फ्यूज़ कर जाएंगे तो फ्यूज़न ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड कार्योगैमी तो थर्ड स्टेप क्या होगा म्यूसिस अब देखो फंजाई का बॉडी हैप्लॉइड होता है न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड थे इसके भी हैप्लॉइड थे दोनों मिले एन एन तो बन गए टू एन फ्यूज़न के बाद ठीक है कार्योगैमी के बाद अब ये जब टू एन बने हैं तो ये डिप्लॉयड सेल हो गया ठीक है अब इसमें टू एन में म्योसिस होंगे म्योसिस रिडक्शनल डिवीजन है अगर ये टू एन में म्यूसिस होगा तो हैप्लोइड बन जाएंगे ठीक है तो म्योसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है अब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में डिप्लॉयड सेल में हुआ तो ये हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे तो थ्री स्टेप्स आपको रिमेंबर रखना है प्लाज्मोगैमी फर्स्ट यानी फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म सेकेंड न्यूक्लियस का फ्यूजन होना एंड थर्ड अगर न्यूक्लियस के फ्यूजन हो गए तो वो जाइगोड टाइप के बन जाएंगे सपोज ओ स्पोर बन जाएंगे जाइगो स्पोर बन जाएंगे तो उसमें म्योसिस हो जाएंगे ठीक है और म्यूसिस होगा तो फिर से हैप्रॉयड बॉडी हो जाएगा तो इस तरह से ये तीनों स्टेप्स चलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में नाउ कौन कौन से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं मैथड्स क्या है फर्स्ट इज कैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट देखो कैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है एक ही माइसीलियम है और उसके टू हाइफे हैं मैंने एक ही बॉडी लिया फंगस का माइसीलियम और उसके अपने ही हाइफे हैं ये वन हाइफे अनदर हाइफे और एक हाइफे पे आप देख रहे हो मेल सेक्स ऑर्गेन का डेवलपमेंट हुआ है वी कॉल इट एंथेरिडियम और दूसरे हाइफे पे फीमेल सेक्स ऑर्गेन का डेवलपमेंट हुआ है वी कॉल इट ऊगोनियम अब ये दोनों पास आए और क्या हुआ मेल जो है वो एक कंजुगेशन ट्यूब डेवलप कर रहे हैं एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप कर रहे हैं और वो फीमेल के अंदर डाल दे रहे हैं ठीक है अब इसके मदद से क्या होगा मेल के जो न्यूक्लियाई हैं वो फीमेल के न्यूक्लियाई में चले जाएंगे फीमेल के साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे राइट अब जब फीमेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ देखो जा चुके हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस वी कॉल इट कारियोगी अब न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो चुका है न्यूक्लियस के फ्यूजन से क्या बने ऊ स्पोर बने ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है क्योंकि एन एन का फ्यूजन हुआ तो ओ स्पोर बने डेट इज टू एन अब मैंने बताए थे थर्ड स्टेप उसके बाद अगर टू एन बन गए तो मियोसिस होगा मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है तो जू स्पोर्स बने जो कि मोटाइल स्पोर्स है मैंने बताए थे कि जो लोअर फंजाई है जैसे ऊ माई उसमें जू स्पोर्स बनते हैं एंड देन इससे माइसीलियम बॉडी बन जाएंगे यानी लोअर फंजाई का बॉडी बन जाएगा तो गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट जो है ये लोअर फंजाई में देखे जाएंगे स्पेशली इन ओ माई राइट नाउ सेकेंड वन इज गैमिटेंजियल पॉपुलेशन इसमें क्या होता है टू डिफरेंट माइसीलियम है अलग अलग माइसीलियम है और इसके एक माइसीलियम एक अलग माइसीलियम का अपना हाइफी और दूसरे माइसीलियम का अपना एक हाइफी अब ये दोनों में एक प्रोट्यूट्स निकल रहे हैं देखो दिस इज कॉल्ड प्रोगिटेंजिया ये पहले निकलते हैं अर्लियर फॉर्म स्ट्रक्चर है वी कॉल इट प्रो गैमिटेंजिया अब देखो दोनों हाइफे से निकले हैं और दोनों डिफरेंट माइसीलियम के हाइफे हैं गॉट इट अब ये देखो पास आ रहे हैं डेवलप कर कर और इसके बीच में अभी पार्टीशन है यहाँ यहाँ ठीक है इधर के कनेक्शन से अभी पार्टीशन यहाँ ढेर सारे यहाँ के भी न्यूक्लियस आ चुके हैं इसके अंदर इधर के भी न्यूक्लियस यहाँ पे आ चुके हैं यू कैन सी हेयर यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है राइट अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि बहुत सारे न्यूक्लियस का कलेक्शन हो गया है अब ये बन गए गैमिटेंजिया गैमिटेंजिया आपस में दोनों गैमिटेंजिया फ्यूज कर गए यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस है लेकिन इसमें से सिर्फ दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा बाकी सब खराब हो जाएंगे तो देखो अब ये टू एन बन गए बाकी सारे न्यूक्लियस खराब हो गए और सिर्फ दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ डेट इज एन एंड एन, एन तो ये बन गए जाइगो स्पोर ये क्या बन गए जाइगोस्पोर्ट अब ये जाइगोस्पोर टू एन है तो इसमें क्या होगा थर्ड स्टेप आपने प्लाज्मोगैमी देख लिया दोनों का फ्यूजन डैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी फिर टू न्यूक्लियस का फ्यूजन डैट इज कार्योगी एंड देन थर्ड स्टेप डैट इज म्यूसिस म्यूसिस में आपका रिडक्शनल डिवीजन होगा रिडक्शनल डिवीजन से स्पोर्स बनेंगे और फिर से फंगस के बॉडी आ जाएंगे हैप्रॉयड बॉडी राइट नाउ थर्ड स्टेप इज सोमैटोगी ये थर्ड सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फंजाई में सोमैटोगैमी सोमैटोगी में क्या होता है फंगस के जो हाइफी हैं उसमें किसी टाइप का कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा उसका वेजिटेटिव पार्ट ही फ्यूज कर जाएगा ठीक है कोई सेक्स ऑर्गेन नहीं होंगे अब देखो यहाँ पे वन इसके हाइफी हैं अनदर हाइफी है ये दोनों आए फ्यूज किए तो प्लाज्मोगैमी हो गया अब का ये डाई कार्योन स्टेज में है क्योंकि अभी तक फ्यूज़ नहीं हुए न्यूक्लियस फिर न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे कारियोगी ठीक है और कारियोगी से फिर ये जी ये एक यहाँ पर आप क्या देख रहे हो फ्यूज़न नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये डाई स्टेज में है तो यहाँ पे आपको ये प्राइमरी माइसीलियम बोलेंगे अगर सिर्फ सिंगल सिंगल है न्यूक्लियस हाइफे में एंड दिस इज कॉल्ड मोनोकारियोटिक स्टेज अब देखो जहाँ पर साइ प्लाज्मोगी हो चुका है वहाँ पे दो न्यूक्लियस आमने सामने हैं यू कैन सी यू टू न्यूक्लियस तो इस तरह से जो आपका बन रहा है ये कहलाएगा सेकेंडरी माइसिलियम सेकेंडरी हाइफी भी बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड डाई कार्योटिक स्टेज क्योंकि दो दो न्यूक्लियस होंगे ठीक है दिस इज कॉल्ड सोमैटोगी नाउ हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे फंजाई का डैट इज़ फाइको जो कि इसमें लोअर फंजाई आते हैं इसमें इसके भी सब क्लासेस हैं ऊ एंड जाइगो माई को हम लोग ओ गैमस बोलते हैं क्योंकि ऊ गैमस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं एंड जाइगो को हम लोग कंजुगेशन फ़नजाई बोलते हैं क्योंकि आप देखोगे क्यों बोलते हैं ना उमाइसिटीज जो है इसके सेल वॉल आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा नहीं तो नॉर्मली फंजाई के जो सेल वॉल होते हैं डैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन बट इन केस ऑफ सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज राइट और जाइगोमाइसिटीज़ में काइटिन होते हैं नेक्स्ट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होंगे स्पोरंजियो स्पोर से अब मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है स्पोरंजियो स्पोर्स टू टाइप्स के बने थे जू स्पोर्स एंड एप्लानो स्पोर्स तो ओ माई सिटीज़ में मोटाइल होगा जू स्पोर्स बनेंगे जिसमें फ्लैजिला होगा एंड uh, क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं तो इसीलिए इसमें मोटाइल बनते हैं स्पोर्स, राइट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट अभी अभी मैंने गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया कि इसमें कंजुगेशन ट्यूब और फर्टिलाइजेशन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन के बीच में एंड माइसीलियम जो है ये जाइगोमाइसिटीज एंड वो दोनों का जो माइसीलियम होगा सेप्टेट होंगे सेप्टा नहीं होगा प्लस सीनोसिटिक होंगे क्योंकि अगर सेप्टा नहीं होगा तो सबके न्यूक्लियस एक एक ही सेल में अपियर होंगे ऐसा लगेगा कि एक जगह इकट्ठा हो गए एंड डैट इज कॉल्ड सीनोसिटिक कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नाउ जाइकोमाइसिटीज में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स ठीक है स्पोर्स होगा यहाँ मोटाइल नहीं होंगे अंदर बनेंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होंगे वो गैमिटेंजियल कॉपुलेशन से होगा अभी अभी मैंने बताए थे कि यहाँ पे गैमिटे प्रो गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन हुआ था दिस इज कॉल्ड गैमिटेंजियल कॉपुलेशन एंड माइसीलियम इसके भी सेम होंगे एसेप्टेड एंड सीनोसिटिक डील विथ सम एग्जाम्पल्स सिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे फाइट ऑफ थेरा इन्फेस्टेंस ये जो फंजाई है ये एक डिजीज़ कॉज करते हैं लेट प्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब जो पोटैटो की जो लीफ है उसके कॉर्नर में उसके एंड्स के पास पूरे ब्लैक या ब्राउनिश आ, कवर हो जाते हैं ठीक है और ये बिल्कुल ख़राब कर देते हैं लीव्स को एंड आल्सो इवन स्टेम और ये इसको आयरिस फेमिन बोलते हैं क्योंकि जो आयरलैंड है वहाँ पर इतना ज़्यादा ये डिजीज फैले थे फंगस से कि पूरे पोटैटो का शॉर्टेज हो गया था राइट right? अनदर वन इज़ एल्बीगो फंजाई जो कि वाइट रस डिजीज कॉज करते हैं क्रूसी फर्स में जो कि मस्टर्ड फैमिली होते हैं इसको ब्रेसिकैसी फैमिली भी बोलते हैं मतलब इसके पत्तों में देखोगे व्हाइट व्हाइट टाइप के पैचेस डेवलप हो जाएंगे ग्रीन लीव्स है और उसमें व्हाइट व्हाइट टाइप के ब्रिस्टल्स जैसे डेवलप हो जाएंगे तो ये भी पूरे खराब कर देते हैं ठीक है पाइथियम स्पीसीस कॉसेस डैम्पिंग ऑफ डिजीज आपको बेटा ये सारे चीज़ लर्न रखने पड़ेंगे सैप्रोलैक्मिया कॉसेस सालमोन डिजीज इन फिशेस तो ये जो है आपको याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो आप एल यहाँ पर आपके क्या फाइट ऑफ थोड़ा पी ए पी एस पी ए पी एस पैप्स आप कर सकते हो राइट तो फाइट ऑफ थोड़ा एलबीगो पाइथियम सेप्रोलेग्निया ऐसे करके आप अपने कंफर्टेबल आप जैसे फील कर रहे हो लर्न कर सकते हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू लर्न इट जाइगोमाइसिटिस जो है इसके एग्जाम्पल में आपके राइजोपर्स आते हैं म्यूकर आते हैं राइजोपस कि जो कि कॉमन ब्रेड मोल्ड है जो आपका ब्रेड है उसमें जो फंगस लग जाते हैं डेट इज राइजोपस म्यूकर जो होते हैं वो डंग मॉल्ड होते हैं जो कि कॉप्रोफील्स होते हैं जैसे कहीं भी आपके कॉप्रोफील्स मतलब जहाँ पर अगर वेस्ट मटीरियल्स है जैसे डंग है एस्क्रीटा है उस जगह पर ये ग्रो करते हैं ठीक है तो ये डंग मोल्ड कहलाते हैं थैंक यू चिल्ड्रेन